Hi guys, welcome to my channel. This is me, Yogita, and in today's video we are going to create this green and golden cut crease eye look. So let's start. So सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूज़ किया Swiss Beauty का कंसीलर इन द शेड 02 सैंड सेबल और मैं इसको अपनी पूरी आईलेट पे अप्लाई कर लूँगी. नाउ आई एम ब्लेंडिंग दिस विद द हेल्प ऑफ अ बफिंग ब्रश और मैंने इसको ब्लेंड करने के बाद पाउडर से सेट नहीं करा है. मैं यहाँ पे ब्यूटी ग्लेस्ट का कलर स्टूडियो पैलेट यूज़ कर रही हूँ और उसमें से मैंने ये डार्क ग्रीन शेड पिक करा है. विद द हेल्प ऑफ अ टेपर ब्लेंडिंग ब्रश मैं इसको अपनी पूरी क्रीज एरिया पे पैक कर लूँगी. इस कलर को मैं इसे अपने आउटर कॉर्नर पे पैक कर रही हूँ. आउटर कॉर्नर से ले जाते हुए मैं इसको धीरे धीरे अपने पूरे क्रीज एरिया पे पैक कर लूँगी और उसी सेम ब्रश से मैं इसको हल्का हल्का ब्लेंड भी कर रही हूँ. बट मेनली मैंने ब्लेंडिंग नहीं करी है यहाँ पे, मेनली मैंने पैक करा है इस कलर को अपने क्रीज एरिया पे और अपने आउटर कॉर्नर पे. एंड नाउ सेम पैलेट में से मैंने ये येलो कलर पिक करा है एंड विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी उस डार्क ग्रीन कलर के साथ. तो जो मैंने कलर पहले अप्लाई करा था उसी के ऊपर मैं बहुत हल्के हल्के हाथों से ब्रश को चला रही हूँ और बहुत हल्के हल्के हाथों से ही मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ. बिल्कुल भी रगड़ना नहीं है वरना आई लुक जो है वो पूरा मेसी हो जाएगा और एक बारी में बहुत ज़्यादा कलर भी पिक नहीं करना है. धीरे धीरे ही कलर की पिगमेंटेशन को भी बिल्ड करना और बहुत हल्के हल्के हाथों से मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी और ब्लेंडिंग में थोड़ा टाइम लगेगा बट ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी होती है ताकि कोई भी हार्श एजेस ना रह जाए और कलर का एक सीक्वेंस बहुत अच्छा मिलेगा हमें. डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन एंड देन येलो. नाउ विद द हेल्प ऑफ अ सेम टेपर ब्लेंडिंग ब्रश मैं दोबारा से वही जो सेम डार्क ग्रीन शेड था जो अपनी मैंने क्रीज पे अप्लाई करा था मैं उसको दोबारा से और ज़्यादा इंटेंसीफाई कर लूँगी. तो जब तक मुझे मेरा डिजायर्ड पिगमेंटेशन नहीं मिलेगा मैं धीरे धीरे करके ही जो कलर है उसकी पिगमेंटेशन को बिल्डअप करती रहूँगी. नाउ अगेन मैं दोबारा से उसको सेम येलो कलर के साथ फिर से ब्लेंड कर रही हूँ. तो हमें एक बारी में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना होता है, धीरे धीरे करके ही हमें जो कलर की पिगमेंटेशन है उसको बिल्डअप करना होता है. अब मैं उस सेम पैलेट में से ही एक ब्लैक शेड पिक कर रही हूँ एंड विद द हेल्प ऑफ अ फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश मैं इसको अपनी क्रीज पे अप्लाई करूँ. जो डीप क्रीज है मेरी, जो हमारी डीप क्रीज होती है उस पर मैं इस कलर को अप्लाई कर रही हूँ. बहुत हल्के हाथों से लगाना है बिकॉज ब्लैक फैल गया ऊपर ब्राउ बोन की तरफ भी चला गया तो फिर वो पूरा आई लुक जो है वो मिसी हो जाएगा. तो इसको भी मैं अपने आउटर कॉर्नर से ले जाते हुए अपनी जो डीप क्रीज है वहाँ पर मैं पूरा इस कलर को अप्लाई कर रही हूँ और बहुत हल्के हल्के हाथों से ही मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ. बहुत ज़्यादा डार्क लेकर के मैंने इसको अप्लाई नहीं करा एंड अब दोबारा से मैं वही सेम टेपर ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैंने इसमें कोई कलर पिक नहीं करा है, जो उसमें ऑलरेडी था उसी से मैं ये ब्लैक कलर को ब्लेंड कर लूँगी अपनी क्रीज एरिया पर उस डार्क ग्रीन शेड के साथ. तो इससे क्या होगा, हमारा जो ग्रीन शेड है वो और ज़्यादा इंटेंसीफाई हो जाएगा और जब हम अपना कट क्रीज क्रिएट करेंगे तो एक बहुत अच्छी डेप्थ मिलेगी उसको. अब मैं वेगा के फ्लैट ब्रश से कट क्रीज क्रिएट कर रही हूँ. मैं रफली एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और अब मैं इसको क्लीन कर लूँगी अपनी क्यू टिप से. मैं इसको क्लीन कर लूँगी, मैंने क्यू टिप को मैसलर वाटर में डिप करा. आप चाहे तो वैसलीन या एलोवेरा जेल कुछ भी यूज़ कर सकते हो, इस टाइप बिल्कुल ऑप्शनल है. आप चाहो तो सीधा कट क्रीज भी क्रिएट कर सकते हो. और मैं दोबारा से मैंने स्विस ब्यूटी का ही कंसीलर यहाँ पर यूज़ करा और एक फ्रेश कट क्रीज मैं ड्रॉ करूँगी और वो कट क्रीज बनाने के बाद मैंने यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का VI पर्पल पैलेट यूज़ करा और उसमें से मैंने एक गोल्डन शेड पिक करा और इसको मैं अपने छोटे से ब्रश की हेल्प से, फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं अपनी जो कट क्रीज ड्रॉ करा उस पर अप्लाई कर लूँगी. मुझे उसका पिगमेंटेशन ज़्यादा खास नहीं लगा तो मैंने हुडा ब्यूटी के फर्स्ट कॉपी पैलेट से, ओरिजिनल नहीं है, उसमें से मैंने गोल्डन ग्लिटर पिक करा और सेम ब्रश से मैं इसको अपनी पूरी कट क्रीज पर अप्लाई कर लूँगी. एजेस जो हमारी हैं कट क्रीज की पूरा वहाँ से अप्लाई करते हुए हमको लेके जाना है ताकि कोई भी एरिया विजिबल ना रहे. और अब मैं पेंसिल ब्रश की हेल्प से जो आउटर कॉर्नर है वहाँ पर मैं डार्क ग्रीन शेड, वही सेम डार्क ग्रीन शेड मैं अप्लाई कर लूँगी और उसको मैं जो गोल्डन कलर है उसके साथ ब्लेंड करके मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा अंदर तक मैं लेके नहीं जा रही हूँ. मैं बाहर बाहर की तरफ ही इसको गोल्डन कलर के साथ ब्लेंड करते हुए अप्लाई कर रही हूँ. आप चाहें तो सेम टेपर ब्लेंडिंग ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं और मैं उसी ब्रश से अपनी लोअर लैश लाइन पर ये डार्क ग्रीन शेड लगा रही हूँ और बहुत ज़्यादा मैं इसको फैल मोटा मोटा नहीं लगा रही बिकॉज भी वो अंडर आइज़ की तरफ चला जाता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है इसीलिए. और अब मैं इसको ब्लैक कलर से मैं थोड़ा आउटर कॉर्नर पे लगाते हुए इंटेंसीफाई कर लूँगी. और उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का ब्लैक काजल यूज़ करा है एंड मेबलिन का मस्कारा, लैश सेंसेशनल मस्कारा यूज़ करा है और मैं मस्कारा और काजल अप्लाई कर लूँगी अपनी आई लैशेज पर, अपनी अपर आई लैशेज और लोअर लैशेज पर. और अब मैंने फॉल्स आई लैशेज यूज़ किए हैं यहाँ पे रेड चेरी के और मैंने
हाईलाइट कर लिए है। सो दिस इज हाउ माई आई मेकअप इज लुकिंग। और इस टाइम पे मेरा बेस मेकअप नहीं हो रखा था और थोड़ा लाइटनिंग का भी इशू था, तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा अपने एंगल से लाइटनिंग वगैरह को समझने में और सेटअप करने में। सो दिस इज हाउ द लुक हैज टर्नड आउट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।